भक्त गौतम ने सुदोधन के घर में जन्म लिया था और उनके जीवन की गाथा इस प्रकार है। साक्यों की राजधानी कपिलवस्तु, जिस पर सुदोधन नाम का राजा राज्य करता था, उसकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था महामाया और दूसरी का नाम था महाप्रजापति गौतमी तथा जो महामाया की बड़ी बहन थी। एक रात महामाया ने सपना देखा कि सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया हाँ। उसी समय महामाया की आँख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने सुदोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न को समझने के लिए राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया। जब राजा ने ब्राह्मणों से उस स्वप्न के बारे में पूछा तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया, महाराज निश्चित रहे आपके यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह घर में रहा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा और यदि वह गृह त्याग कर सन्यासी हो गया तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार को नाश करेगा। महामाया बोधित्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रहे। जब समय समीप आया तो महामाया ने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। उसने अपने पति से कहा, मैं अपने मायके देवधर जाना चाहती हूँ। सुदोधन ने सुनहरी पालकी में बिठवाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ उनके मायके देवधर भिजवा दिया। देवधर के रास्ते में महामाया को साल वृक्ष के एक उद्यान वन से गुजरना था, यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह प्रतीत हो रहा था। यह सुंदर दृश्य देखकर महामाया की यह इच्छा उत्पन्न हुई कि वह यहाँ कुछ समय रुके। वह पालकी रुकवाकर एक सुंदर साल वृक्ष की ओर गई। उस समय मंद मंद हवाएं चल रही थी जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे डोल रही थी। महामाया ने एक शाखा को पकड़ लिया, लेकिन हवा के वेग के कारण तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना शुरू हो गया। उसने साल वृक्ष के नीचे ही एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। सुदोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर में जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल सुदोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी राज्य के लोगों द्वारा जन्मोत्सव की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए आगे चलकर वह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उनके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय पास आया जानकर उसने सुदोधन और प्रजापति को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप रही हूँ, मुझे विश्वास है कि उसको तुम मुझसे भी ज़्यादा प्रेम करोगी। अब दुखी न हो, मुझे मरने दे, मेरा अंत समय आ गया है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा करे। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। सुदोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नंद नाम था, वह महाप्रजापति गौतमी पुत्र था। सिद्धार्थ उसके साथ खेलते खाते बड़ा हुआ। जब सिद्धार्थ 8 वर्ष के हुए तो अपने शिक्षा शुरू की। जिन्हें सुदोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए। वे कुछ ही समय में सभी विद्याओं में महारत हासिल कर लिए। एक बार सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उन्हीं के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठे। उन्होंने तीर निकाला, जख्मों पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने तीर मारा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा और वह पक्षी सिद्धार्थ से मांगा, लेकिन सिद्धार्थ ने पक्षी नहीं दिया। दोनों के बीच बहस होने लगी। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है। सिद्धार्थ का कहना था कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है, हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है। दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय में सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय लिया।
सिद्धार्थ गौतम का शुरुआती जीवन कुछ ऐसा ही था। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। विवाह हो चुकने के काफी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम राहुल रखा गया। राजा सुधोदन प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, लेकिन साथ ही साथ सिद्धार्थ के बारे में की गई भविष्यवाणी भूत की तरह उनका पीछा कर रही थी। इस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधनों में अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इसलिए सुधोदन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उसने इन महलों को हर तरह के भोग विलास के साधनों से सुजित कर दिया ताकि राजकुमार को किसी कारण राज्य से बाहर ना जाना पड़े। जब सिद्धार्थ 20 वर्ष के हुए तो उन्हें शाक्य संघ में दीक्षित किया गया और संघ का सदस्य बनाया गया। यह एक प्रकार का शाक्य संघ था जिसमें 20 वर्ष के बच्चों को दीक्षित किया जाता था और उस संघ का सदस्य बनाया जाता था। लेकिन उस संघ का सदस्य बनने का नियम था, पुरोहित ने सिद्धार्थ को सभी नियम बताना शुरू किया। उसने कहा, आपको अपने तन मन धन से शाक्यों की रक्षा करनी होगी, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा, आपको बिना किसी भय के संघ में बोलना होगा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा, दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और दिव्य सदस्य था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उसके अपने जीवन के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न।